एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम कुशल मंगल होंगे। तो ये है अवस टीवी का वीडियो, लेकिन ये वीडियो लेट जाने वाला है। मेरे घर में सफाई लग चुकी है, इस चक्कर में मुझे एडिट करने का टाइम नहीं मिला है। तो अहोष्टमी का दिन है और मैं बना रही हूँ हलवा। तो मैंने सूजी को देसी घी में भून लिया है और अभी उसी कढ़ाई में मैंने यहाँ पे पानी डाल दिया है और अब इसमें डाल दूँगी मैं चीनी। और इसमें एक उबाल आने तक इसे मतलब उबालेंगे पानी को। और उसमें मैंने थोड़ी सी डाल दी है इलायची के ये दाने और अब इसे चलाएंगे जिस तब तक इसमें एक खोल आएगा। और अभी मैंने सोचा कि हलवा में बेसन भी डाल सकती है टेस्ट के लिए, तो मैंने थोड़ा सा 1.5 चम्मच बेसन को भून लिया है। और ये कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, चिरौंजी, बादाम, काजू, तो मैंने ये भी डाल दिए हैं। और अब इसमें अच्छे से उबाल आ चुका है, तो अब ना डालते हैं हम वो भुना हुआ बेसन और सूजी। और इसमें देखिए थोड़े थोड़े बबल्स आने शुरू हो गए हैं, तो चलाते हैं इसको जब तक हलवा ना बन जाए। बस ये लगभग बन ही चुका है हलवा। तो हलवा हमारा रेडी है और यहाँ मैं यूबी को कर रही हूँ तैयार। और ये वही ड्रेस है जो मैं मौसी जी के कपड़े ले गई थी मिंसने के लिए, तो मैंने ये बच्चों के लिए भी गर्म जो कपड़े थे वो भी खरीद लिए थे। तो मैं इसको इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं सोच रही हूँ मैं मौसी जी को ही बायना देती हूँ अहोष्टमी का। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं बायना भी दे आऊँगी और मौसी जी को मिल भी आऊँगी क्योंकि वो हैं हॉस्पिटल में एडमिट। तो इसी वजह से मैं इसको तैयार कर रही हूँ। और ये देखिए मैं हो गई हूँ रेडी अहोष्टमी की पूजा करने के लिए। और ये मेरा हेयर स्टाइल देखिए, इयर रिंग्स। और आज मम्मी जी पूजा नहीं कराएंगे, आज मैं ही करनी पड़ेगी क्योंकि मौसी जी की हो गई तबीयत ख़राब। तो वो मम्मी जी तो मम्मी जी हैं मौसी जी के पास हॉस्पिटल में। तो मैं यहाँ नीचे अपनी चौकी लगा रही हूँ और इस पर अभी कील लगा के ना मैं डाऊँगी अहोष्टमी का ये कैलेंडर और उसके बाद मैं चलती हूँ। तो ये देखिए हलवा बिना बन चुका है। और यहाँ पर ना मैंने बनाई है गोभी की सब्जी और आटा लग चुका है, इसकी बनाऊंगी मैं पूरी। अच्छी पे ही होती है। तो अभी ना हम कर लेते हैं गौर माता का मेकअप, बिंदी, काजल, है ना, वो बना लेते हैं। फिर मैं नीचे करूंगी थोड़ा सा क्या कहते हैं वो नीचे चौकी वगैरह से जानी है, मतलब मैं कैलेंडर वगैरह लगाई हूँ। और अभी ना गेहूँ भी रखा है, पर काजल से बना लेते हैं इनकी आँखें। ये बन गई इनकी आँखें, आँखें मैंने बना दी हैं। और माता जी को लगा देते हैं गौर मैया को सिंदूर। तो ये लगा दिया मैंने मैया जी को सिंदूर। पूरी मांग भरूंगी ना जैसे हम सब अपनी भरते हैं पूरी, तो ऐसे ठीक है सिंदूर लगा दिया। और अभी लगा देते हैं माँ को बिंदी। और अभी मैं नेल पॉलिश लगाऊंगी माँ को और महावर लगाऊंगी, है ना। और फिर इनको कपड़े ही पहना के ले चलेंगे। सीसी है और शीशिया बॉटल मेरी लैंग्वेज थोड़ी ऐसी है ना नेचुरल बिल्कुल, तो मैं इनको पैर पे थोड़ा थोड़ा सा लगा देती हूँ ये रहे। और यही हाथ में ना नेल पॉलिश का काम भी कर देगी इनका। बस इन्हें ना एक दुपट्टा निकाल लेती हूँ सुंदर सा मैया के लिए और गौर मैया निकाल लेती हूँ क्योंकि मैं भी लगा लूँगी पैरों में महावर। गौरी माता का ये शायद उस टाइम ना इत्तेफाक से एक्स्ट्रा आ गई थी, पर ये आई थी गौरी मैया के लिए, तो आज है ना गौर मैया के काम आ जाएगी। ये जी सज गई हमारी गौर माता। तो चलिए इन्हें लेके चलते हैं और अपने पैरों में महावर ला लेते हैं हम। तो चलिए नीचे अभी ना सेक लेती हूँ मैं पूजा की अठावरी क्योंकि अब दिन छिप चुका है, 5:30 बज रहे हैं। आप तो पता आपको पता ही है 5:30 बजे से अब दिन छिपना शुरू होता है और इसकी पूजा अहोष्टमी की पूजा होती है इस दिन छिपने से पहले। तो मैं जो जल्दी जल्दी से अपनी अठावी उतार लेती हूँ। और ना आप देखना मत आज मेरी किचन वगैरह सब गंदी पड़ी है क्योंकि पूजा भी करना है, बच्चों को भी देखना है। और अभी ना यूबी को वॉमिटिंग भी हो गई थी तो मैंने सारा हॉल साफ़ किया है, उसके बाद खुद भी तैयार हुई हूँ और अब मैं पूजा का कर लूँ जल्दी जल्दी क्योंकि लेट हो जाऊँगी मैं। तो चलिए मैं सेक लेती हूँ अभी पूड़ियाँ। तो यहाँ मैं अठावी सेकने के लिए तोड़ रही हूँ छोटी छोटी लोइयाँ, पेड़ी जिसे कहते हैं। और अब मैं बनाऊँगी पूड़ियाँ। और पहले ना मेरी मम्मी जो होती थी वो पूड़ियाँ बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी बनाती थी, लेकिन आजकल सब खा नहीं पाते ना, अठावी वगैरह की पूड़ियाँ ज़्यादा हो जाती हैं, तो इसलिए मैं इतना मीडियम साइज़ की बनाऊँगी। मतलब मैं इतनी छोटी बनाती हूँ, लेकिन मेरी मम्मी जी हैं सासूमा वो छोटी बनाती हैं, लेकिन मैं मीडियम साइज़ की बनाती हूँ। तो बस यहाँ मैं पूड़ियाँ बना लूँगी और फिर लेके पूजा नीचे जाके फिर करेंगे हम पूजा। तो मैं यहाँ पे थाली लगा लेती हूँ, 8 पूड़ियों की होगी। और जो सुहाग बहना होता है वो होता है 14 का। और यहाँ ये अहोष्टमी की पूजा तो यहाँ पे 8 होगी तो वो 8 पूड़ियों की होती है। और यहाँ पे मैं हलवा भी रख लूँगी और सब्जी भी रख लूँगी। आप सोच रहे होंगे एक सब्जी बनाई है, पर हम ज़्यादा जन नहीं है, सिर्फ मैं कान पापा हैं, तो इसलिए सिर्फ एक ही सब्जी बनाई है। और ये मैं गाय कुत्ते की रोटी थी तो ये भी मैं लेके नीचे जा रही हूँ।
और अभी ना मैं जो पूजा की थाली है तो वो भी लगा सजा लेती हूँ। तो यहाँ चावल रोली ये सब रख लिया है मैंने, क्योंकि मुझे ये ना नीचे का पता नहीं है, क्या पता ख़त्म हो रहा हो या वो हो, तो मैं यहाँ से पहले ही ये देखिए मेरी बहनी की थाली भी रेडी है लग के, और ये खाना भी लग चुका है, और अभी देखो दिन छिप चुका है क्योंकि अजान भी हो गई है, तो इसे लेके चलते हैं नीचे। और हाँ मैं फ्रूट्स रखना भूल गई, पहले फ्रूट्स ले लेती हूँ। फ्रूट्स में मैंने एक एप्पल और एक कीवी रख ली है क्योंकि यही है घर पे अभी, और मिठाई लेने गए हैं काना के पापा, तो चलिए चलते हैं नीचे। और ये बैठी है गौर मैया, और यहाँ रख देते हैं हम अपनी थाली। और ये तो अभी अष्टमी की ये पूजा मैं पहली बार अकेले कर रही हूँ, क्योंकि मम्मी नहीं है, वरना तो मम्मी सारी तैयारी करके रख लेती, सिर्फ हमें पूजा करनी होती थी। तो बस जैसा भी मुझे समझ आया, जैसा मुझे पता चला, मैंने ऐसे कर लिए। तो मैंने ये जो मटकी लाए थे ये दीपावली पे नहाने के लिए यूज़ होती है, तो अब इसको रखते हैं। और मैंने इस पर कलावा लगा दिया और छतिए कर दिए, और जो इसके ऊपर मिट्टी की सरैया है या प्लेट सी है ना, इसमें दीपक की मैंने बत्ती लगा रख दी, लेकिन ऐसा नहीं रखते हैं। तो मैंने बत्ती के लिए उन्होंने एक अलग से छोटा दिया दिया था दिया जलाने के लिए, तो वो मैंने दीपक जलाया, और उसमें ना मैंने मिठाई रख दी थी जो ऊपर सरैया थी। तो यहाँ मैंने धूप करने के लिए करसी रख दी है गैस पे, और ये सूट लेने आई थी मौसी जी का ऊपर से, जो मैं लाई थी मंसने का, तो मैं इसको ले चलती हूँ। मैंने ना एक किचन में छोटी सी प्लेट ले ली है, क्योंकि अभी खाना पापा आए नहीं है, क्या पता करवा चौथ की तरफ फूल न लाएँ, तो इसलिए मैं जो अपने अपने यहाँ पे जो गमलों में पौधे लग रहे हैं ना, उसी से फूल तोड़ लेती हूँ, क्योंकि करवा चौथ पे मैं तोड़ नहीं पाई थी, फिर दिन छिप गया था, तो इसलिए मैंने तोड़े नहीं। तो अभी मैं पहले से ही तोड़ लेती हूँ दिन छिपने से पहले ही। तो ये फूल भी लेके चलते हैं नीचे हम। और ये देखिए सब सामान लगभग मैं जोड़ लिया है यहाँ पे, और ये सूट भी लिया हूँ मौसी जी का। तो बस यहाँ इनको तिलक वगैरह कर देती हूँ, गौरी मैया को, करवा चौथ माता को। और ये फूल भी देखिए वो रखे हैं जो हम लाए थे, लेकिन कानक पापा ले आएंगे आज, तो क्योंकि आज वो यहाँ यहीं पर हैं, तो वो लेने गए हैं मिठाई और फ्लावर। तो इतने मैं इनका तिलक वगैरह कर देती हूँ मैया जी का, और ये फूलों से जो मेरे पास फूल थे ये मैंने मैया जी को यहाँ पे रख दिए हैं। और यहाँ पे रख दिया है गेहूँ, और इस पे ये जो मटकी है, मटकी बोल रही हूँ मैं, जो आप मतलब पता आपको हो ऐसे समझ लेना। और ये जो सूट था तो मैंने ये छाप के माता जी के, वही माता के आगे रख दिया है। और यहाँ पे थोड़े से घी, देखिए गौर माता भी तैयार है, जो घी का बनाया मैंने सारा तैयार है खाने का। देखिए मैंने सजा लिया है, खाना हो गया, धूप भी हो चुकी है, सभी चीज़ तैयार है, और बच्चे मिठाई लाएंगे, फूल माला लाएंगे। मैंने वो जो ऊपर खिले ये देखिए सारी मैंने एक जगह इकट्ठी कर ली है, तो ये आ चुके हैं, ये लेके आ गए हैं फूलमाला। और फूलमाला लगाने के लिए ना मैं साइड में दो गिट्टियाँ लगा रही हूँ, जिससे फूलमाला को मैं इनके अभी माता के ऊपर टांग सकूँ। तो मैंने गिट्टी लगा दी है, उसके ऊपर ये फूलमाला माता जी को चढ़ा दिया, गौर मैया को ये छोटे छोटे फूल आए थे अलग से, मैंने वो चढ़ा दी उनसे माता के आगे, और अब ना जला देंगे हम दिया। तो ये देखिए दिया भी जल चुका है, और मैंने ना जैसा मुझे समझ आया मैंने ऐसे पूजा कर ली है, बस कहते हैं ना भूल चुक तो मैया माफ़ करती हैं। और अब ये क्या कहते हैं धूप बत्ती वगैरह भी जला दूंगी मैया जी को। तो ये जो मिठाई लाए थे तो ये मैं रख दी है इसमें बायने पे, और यहाँ पे थोड़ी जो सरैया रखी है मटकी के पास उसमें रख दूंगी। और फिर क्या कहते हैं वो धूप होती है ना धूप, तो लौंग से धूप कर लूँगी मैं यहाँ पे। और फिर चलते हैं ऊपर जल चढ़ाने, क्योंकि तारे निकल चुके होंगे, दिन काफ़ी देर का छुप चुका है, वो तो मैं इनका वेट कर रही थी लेट हो गई। तो चलते हैं ऊपर तारों को जल देने, क्योंकि हमारे यहाँ तारों को जल दिया जाता है। यूवी और काना ना थोड़ा सा जल पिला के मुझे व्रत खुलवा देंगे, तो मैं व्रत खोल के फिर अपना सामान अपना पैक कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे जाना है हॉस्पिटल मौसी से मिलने। तो ये हम मौसी जी से मिल के आ रहे हैं, और देखिए मार्केट अभी सजने लगी क्योंकि दीपावली आ गई है पास, तो सोए। और ये यूवी रो रहा था माँ जी से कि माँ जी को भी साथ लेके चलो, मम्मी वहाँ मिल गई थी ना, तो इसको मैंने बड़े मुश्किल से मनाया है यहाँ पे। और अभी चलते हैं बस घर में, यहीं पर अपना अपना गाड़ी में ही अपना व्रत खोलने वाली हूँ। छोटे लाल खाए, छोटा लाल सो चुके हैं, जैसे ही हम घर पे जाएंगे तुरंत मैं भी सो जाऊंगा। तो
वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। आपको कैसा लगा मेरा अहोइष्टमी का ये ब्लॉग, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।